अभी गाइस आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाएंगे। ये देखो भाई, ये एक जानवर है जिसका ये पंख भी मिला हमें। ये बड़ा डेंजरस होता है, ये टाइगर पे भी हमला कर सकता है। गाइस अभी आपको दिखाने वाला हूँ पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ, ऐसे तो नजर नहीं आएंगी। फोन जो है ना वो पानी के अंदर डालना पड़ेगा। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम सबको, मेरी तरफ से आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज जो है एक राइड का प्लान बन गया, तो चलते फिर यहाँ से हम बिस्मिल्लाह करके। पिछले टायर में हवा भी थोड़ी कम है, तो पहले जाके हम हवा भी भर लेते हैं एंड उसके साथ साथ पेट्रोल भी अपना फिल कर देते हैं। तो गाइस अपना पेट्रोल जो फिल हो गया। अभी ईद आने वाली है तो खिलौने वगैरह बिक रहे हैं भाई, ये चेक करो। ये देखो कुर्बान के लिए जानवर जा रहे हैं, अपनी कुर्बान वाली ईद आ रही है। ये ईद हमारी सबसे बड़ी ईद होती है। यहाँ पे मैंने कुछ ऑर्डर दिया था, यहाँ वहाँ पे पहले नज़र मार लेते क्या वो ऑर्डर आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, ये वो ऑर्डर किए। तो गाइस मैंने इनको पैसे दिए हैं कोई 15 दिन पहले यार, अभी तक इनका ये जो योक है वो नहीं आया यार। ये कौन सी सर्विस है यार। यहाँ से हमने शॉर्टकट लिया तो ये हो गया अपना हाईवे फिर से टच। और ये देखो भाई जानवर कितने कुर्बान के लिए यहाँ पे सेल हो रहे। अभी देखो भाई जब ये रोड बनेगा ना 4 लेन, तब सोचो भाई कितना मज़ा आएगा। फिर अपन के पास होनी चाहिए जड़क चनार। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर पटन है और श्रीनगर जो है 33 किलोमीटर है एंड अपना पंथा चौक 48, खानबल 97 एंड जम्मू 334। अभी थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा यहाँ से क्योंकि आगे जो है पुलिस होती है भाई, एग्जॉस्ट का साउंड सुनेंगे ना तो पकड़ लेंगे भाई। तो पहले एग्जॉस्ट का साउंड जो है वो कम कर लेंगे हम। अभी 5वां गियर है, 54 स्पीड है, आगे मैं 6ठा भी डाल दूंगा ताकि और कम एग्जॉस्ट का साउंड हो जाए। यही तो होता है भाई बचने का तरीका, अगर आप इधर से पहले दबा के चलोगे ना एग्जॉस्ट का लाउड साउंड दोगे ना तो पुलिस तो 1 मिनट में पकड़ लेगी भाई। अभी खाया भी कुछ नहीं तो आगे देखते भाई कुछ खा लेते हैं। देखा यहाँ पे चेकिंग हो रही है तगड़ी वाली, मैं अगर एग्जॉस्ट लाउड कर देता पहले ये मेरे को पकड़ लेते, सबको छोड़ देते। तो गाइस यहाँ पे रुकते हैं हम, पहले पेट पूजा हो जाए भाई। तो गाइस अभी हम बिरयानी के साथ अपना जो है लंच कर रहे हैं, ऐसे तो शक्ल से बड़ी टेस्टी लग रही है, अब खा के पता चलेगा भाई। नीचे लैक कितना प्यारा है यार, और वो पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, बहुत ही बढ़िया। चेक करो भाई कितना सही लग रहा है यार, रोड तो एकदम मक्खन है। अरे भाई साहब यार ये चेक करो कितना ब्यूटीफुल है भाई, सही है यार। चढ़ते हैं उधर हमें क्या इस साइड, ये चेक करो भाई। एंड यहाँ पे एंड हो रहा है भाई, ये हम टॉप पे आ गए। ओ माय गॉड देखो भाई वो टॉप जो पहाड़ी की चोटी है ना टॉप वाली यार, उस पर कितना डर लगेगा अगर उधर चढ़ेंगे तो, बट एकदम ऑसम लग रही है भाई पत्थरों का पहाड़। और इन जगहों पे ना सांप भी बहुत होते हैं भाई, क्योंकि ये जो पत्थर और ये झाड़ियाँ मिक्स होती है ना यहाँ पे ना, आपको पता ही है सांपों को ना ये जगह बहुत प्यारी लगती है, वो इनमें पसंद करते रहना। तो भाई हमें भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कहीं कोई कहीं सांप ना निकल जाए कहीं से। बाकी आप चेक कर लो भाई जगह कितनी प्यारी, अभी हम आपको नीचे भी दिखा देंगे और भी एक्सप्लोर करा देंगे भाई पूरा जो है ये एरिया। रानी अपनी जो फ्यूल पंप ख़राब होते भी भाई तब भी धोखा नहीं देती यार, तब भी पहुंचा देती है अपनी जगह पे हमें यार, इसका तो हम बहुत शुक्रगुजार है भाई। देखिए अब करेंगे जल्दी इसका फ्यूल पंप चेंज करेंगे, आपको पता है बिल्कुल ना व्हीली होती है और ये जो चढ़ाई होती है उसमें भी बहुत दिक्कत हो जाती है चढ़ने में। तो गाइस ये चेक करो, आपको पता है हनी का नाम तो सबने सुना होगा, यहाँ पे मिलती है आपको 100% प्योर हनी। तो इनमें ना मधुमक्खियाँ होती है बहुत सारी, ये देखो वहाँ पे भी उधर बहुत सारे डब्बे हैं, हनी वगैरह निकाल देते हैं और फिर भेज देते हैं, और वो भी 100% प्योर, हर जगह बस मधुमक्खियाँ हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे तो व्यू भी बहुत ही ऑसम है, नीचे जो है वो मानसबल है, तो अभी हम वहाँ भी जाने वाले हैं। अभी गाइस आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाएंगे। अरे भाई साहब यहाँ पे तो एक बस्ती ना यहाँ पे रह सकती है, ये चेक करो भाई पहाड़ यार कितना खतरनाक है भाई, कहीं गिर ना जाए। ओ, मैं तो गिरने वाला था। अरे भाई साहब ये देखो भाई ये कितना ख़तरनाक है, ये देखो भाई चेक करो यार, इन जगहों पे ना आने का अलग ही मज़ा है। एंड ये देखो वहाँ पे छोटे छोटे होल, यहाँ पे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। ये देखो इको आवाज़ कितनी हो रही है, हेलो, देखा भाई यहाँ पे आवाज़ भी इको हो रही है। एंड बाकी ये चेक करो भाई एकदम खतरनाक वाला लुक, यहाँ से इसका रास्ता
अगर ये गिर गया ना, ये डेंजर है भाई, यहाँ से जल्दी भागना पड़ेगा। ये देखो भाई, ये एक जानवर है जिसका ये पंख भी मिला हमें। ये बड़ा डेंजरस होता है, ये टाइगर पे भी हमला कर सकता है। ये बहुत तेज़ होती है, ये चेक करो, ये मारती है जब इसको लगता है ना खतरा है किसी से, तो ये एकदम से 10-15-20 फेंक देती है एक साथ, और अगर किसी को लगी ना तो आर पार हो जाती है, बहुत ख़तरनाक है। ये उवैस भाई ने यहाँ से उठाई थी, जैसे मैंने बोला था यहाँ जानवर आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे जानवरों का निशान भी लगा हुआ है। एंड गाइस ये चेक कर लो भाई, ये अपना मानसबल का पूरा व्यू, लैक देखो भाई कितना प्यारा है, और लैक के बिल्कुल साथ में एक पार्क भी है। तो अभी हम अंदर एंट्री भी मारेंगे, अभी आप बाहर से ही देखो नज़ारा कितना सही है यार, बहुत सही लगा यहाँ पे आके। एंड आपको भी बोलता हूँ भाई यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऊपर ही बहुत सही जगह है, एंड रोड भी एकदम क्लियर है। ये चेक करो भाई, ये देखो भाई, अभी मार्केट तो ज़्यादातर बंद ही है क्योंकि आज फ्राइडे है, इस करके आज मार्केट जो है बंद है। एंड गाइस ये चेक कर लो भाई, अभी लैक के पास पहुंच गए हम, कितना ब्यूटीफुल है यार, बहुत ही बढ़िया। तो गाइस अभी एंट्री हो गई हमारी पार्क में, एंड ये देखो भाई अभी हल्का फुल्का रश मिल रहा है यहाँ पे, आज फ्राइडे इस करके आज ज़्यादा रश नहीं होगा, बाकी अगर कोई और दिन होता ना तो आप देखते यहाँ पे रश कितना होता है बट अच्छी खूबसूरत जगह है, चेक इट आउट। और ये देखो भाई लैक के अंदर जो हल्के से छोटे छोटे पेड़ है, ये भी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये देखो भाई साहब, यहाँ पे आपको शिकारा राइड भी मिल जाएगी, जैसे आपको डल लेक वगैरह में मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको एकदम बढ़िया राइड मिल जाएगी शिकारा में। एंड ये पेड़ एकदम ब्यूटीफुल आई भाई साहब, यहाँ हवा कितनी मस्त चल रही है, और साथ में धूप, अलग ही फील आ रहा है भाई यहाँ के। और यहाँ पे भी देखो भाई टूरिस्ट लोग सेल्फियाँ वगैरह रील्स वगैरह बना लेते हैं, हाउस बोर्ड भी यहाँ पे है, चलो देखते हैं वहाँ पे भी चेक करके। यार ये पुल तो बड़ा ख़तरनाक है, ये तो पूरा हिल रहा है भाई, एंड चेक करो गाइस, अभी आपको दिखाने वाला हूँ पानी के अंदर छोटी छोटी मछलियाँ, ऐसे तो नज़र नहीं आएंगी, फ़ोन जो है ना वो पानी के अंदर डालना पड़ेगा। ये गाइस यहाँ पे बच्चों के लिए भी सिस्टम अच्छा है, यानी वो बच्चों के लिए वहाँ से एक झूला, एंड ये भी बच्चों के लिए, और इस पर जो है बड़े भी बैठ सकते हैं। भाई मेरे को तो बहुत डर लगता है भाई, मैं नहीं चढ़ता कभी इस पर, मैं फिर यार यहाँ से पता है एम्बुलेंस में घर जाना है फिर मैंने। अभी भाई पूरा सनसेट आगे आ चुका है भाई, नज़ारा तो एकदम ब्यूटीफुल है यार, शिकारा और ऊपर से ये लैक काफ़ी ब्यूटीफुल, ये पेड़ तो काफ़ी बढ़िया है भाई, ब्यूटीफुल, और इसकी छांव इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल। ये क्या है भाई, इसके अंदर क्या है? हो यार ये भाई, इसको हम नाग बोलते हैं कश्मीरी में, यहाँ पे खुद ब खुद नीचे से ज़मीन से, ओ भाई इसमें मछलियाँ देखो भाई, हाँ जी हाँ जी, वो मछलियाँ हैं थोड़ी छोटी छोटी। अच्छा फिशेस, हाँ जी हाँ जी, ओए वो दे वो है काम है जिंदगी, ओए वो नो फिशेस आ जा। अभी ये बाहर आने से डर रही है, बाहर आ जाओ। तो अभी आप बता देना भाई कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा, और ये जगह भी कैसी लगी, बाकी आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए सबको अल्लाह हाफिज़।